नमस्कार। करगिल वॉर के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक शेरशाह ने इन दिनों धूम मचा रखी है। OTT पर रिलीज ये फिल्म, जहां IMDb पर 8.9 रेटिंग के साथ नंबर एक पर टॉप रेटेड हिंदी मूवी बन गई है, तो वही हर जगह इस फिल्म की तारीफ हो रही है। बतौर एक्टर इसे सिद्धार्थ मल्होत्रा की अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कहा जा रहा है, जबकि कियारा की क्यूटनेस ने एक बार फिर से दिलों पर छुरियां चलाई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर कैप्टन विक्रम बनने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा और डिंपल चीमा बनने के लिए कियारा आडवाणी समेत बाकी स्टारकास्ट ने कितनी फीस ली है? नहीं ना, चलिए हम आपको बताते हैं। शेरशाह 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई थी। अब फिल्म की रिलीज के हफ्तों बाद फिल्म की स्टारकास्ट की फीस को लेकर खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस लीड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 7 करोड़ रुपए की फीस ली। फिल्म के लिए उन्होंने काफी ट्रेनिंग की। बंदूक चलाने से लेकर अपनी फिटनेस पर भी सिद्धार्थ ने ध्यान दिया। शेरशाह में कैप्टन विक्रम बत्रा की गर्लफ्रेंड डिंपल चीमा का किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है। हालांकि इस फिल्म में कियारा का किरदार बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी है खूबसूरत है, और वैसे भी जब जब वो पर्दे पर आती है अच्छी लगती है। खासकर फिल्म के क्लाइमेक्स में फ्यूनरल सीन में कियारा की एक्टिंग ने हर किसी की आंखें नम कर दी। बताया जाता है इस किरदार को निभाने के लिए कियारा ने 4 करोड़ रुपए की फीस ली है। फिल्म के बाकी कास्ट में निकितन धीर ने मेजर अजय सिंह जस रोटिया का किरदार निभाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेरशाह में करीब आधे घंटे से ज्यादा के रोल के लिए उन्होंने 35 लाख रुपए की फीस ली है। एक्टर शिव पंडित फिल्म में लेफ्टिनेंट संजीव जिमी जामवाल के किरदार में दिखे। उन्होंने इस किरदार को निभाने के लिए 45 लाख रुपए चार्ज। कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता GL बत्रा का किरदार निभाने वाले पवन ने कथित तौर पर 50 लाख रुपए की फीस ली है, जबकि मीर सरवर ने 25 लाख रुपए चार्ज किए हैं। मीर सरवर फिल्म में हैदर का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा के खास दोस्त सूबेदार बंसीलाल का किरदार निभाने के लिए अनिल चरणजीत ने लगभग 25 लाख रुपए की फीस ली है। बताते चले, इस फिल्म को विष्णु वर्धन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म आम लोगों के साथ साथ जानी मानी हस्तियों को भी पसंद आ रही है और उनसे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।